पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले पर सियासत और तेज हो गई है। बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। नॉर्थ 24 परगना के धमखाली बस स्टैंड पर शुभेंदु अधिकारी और पुलिस अधिकारी के बीच जमकर बहसबाजी हुई। शुभेंदु अधिकारी की दलील थी कि उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट से संदेश खाली जाने की अनुमति ली हुई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली में लगी धारा 144 पर रोक भी लगा दी थी। चैलेंजिंग ममता पुलिस ए सीनियर IPS चैलेंजिंग कलकत्ता हाईकोर्ट ऑर्डर। एक घंटा यहाँ वो लोग को रीथिंक करने के लिए मैं मौका दे रहा हूँ। 12:10 में मैं सीधा गाड़ी घुमा के कलकत्ता हाईकोर्ट। पुलिस का कहना था कि बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की हुई है, इसलिए कोर्ट का आदेश अभी लागू नहीं होता है। पुलिस ने जब शुभेंदु अधिकारी और उनके समर्थकों को आगे बढ़ने नहीं दिया तो शुभेंदु वहीं पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। ममता पुलिस हाय हाय, ममता पुलिस हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा, संदेश खाली मां बोनेरा लड़ाई करो, बीजेपी संगे आछे। इसी दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट से शुभेंदु अधिकारी के लिए एक अच्छी खबर आई। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ममता सरकार की अपील को खारिज कर दिया और फिर शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी विधायक शंकर घोष को संदेश खाली जाने की इजाजत देते हुए धारा 144 पर रोक को बरकरार रखा। लेकिन हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी से कहा कि वो कोई भड़काऊ भाषण नहीं देंगे और उनके साथ कोई भी समर्थक या बीजेपी कार्यकर्ता संदेश खाली नहीं जाएगा। इस फैसले के बाद शुभेंदु अधिकारी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ संदेश खाली पहुंचे। वहां पहुंचते ही उनका फूलों से स्वागत किया गया। संदेश खाली जाने से पहले नॉर्थ 24 परगना में एक अलग ही घटना हुई। शुभेंदु अधिकारी के साथ मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं में से किसी ने मौके पर मौजूद सिख IPS अधिकारी को खालिस्तानी कह दिया। इसके बाद तो पुलिस अधिकारी बहुत ज्यादा नाराज हो गए। उनकी बीजेपी विधायक अग्नि मित्रा पॉल के साथ तीखी बहस हुई। क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं, अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी। मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए, आपके रिलीजन पर ही बोल सकते हो, आपके रिलीजन पर ही बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पर ही बोल सकते हो। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी मुझे नहीं, आपके रिलीजन पर कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पर क्यों बोला? बीजेपी नेताओं ने अधिकारी के धर्म पर टिप्पणी से इनकार किया, लेकिन IPS अधिकारी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मैंने पगड़ी पहना तो आप मुझे खालिस्तानी बोलेंगे, क्योंकि मैंने पगड़ी पहना है, हैं? ये आप लोग की हिम्मत है? अगर कोई पुलिस वाला पगड़ी पहना है तो वो खालिस्तानी है? ये आप लोग की होगा, ये आप लोग बोल रहे हैं, ये आपका लेवल है, ये आप लोग का लेवल है। एक पुलिस ऑफिसर जिसने पगड़ी पहना है उसको आप खालिस्तानी बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपना ड्यूटी कर रहा है। पुलिस अधिकारी और बीजेपी नेताओं के बीच हुई इस बहस का वीडियो ममता बैनर्जी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और बीजेपी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति ने संवैधानिक सीमाओं को बेशर्मी से लांघ दिया है। बीजेपी के लिए हर पगड़ी पहना व्यक्ति खालिस्तानी है। यही बीजेपी का कल्चर है, ये धर्म के नाम पे ये प्रोवोक करते हैं। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि बंगाल में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Z News.